सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। लैक्मे आइकॉनिक काजल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज मैं प्रियंका इस लैक्मे आइकॉनिक काजल पेंसिल का रिव्यू करने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको इसके सारे पॉइंट्स पता चल जाएँ और ये पेंसिल कैसी है इसकी नॉलेज आपको मिल जाए। ये काजल पेंसिल एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग पर लिखा है कि ये 22 आवर्स तक 22 घंटे तक स्टे रहती है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा इसकी पैकेजिंग पर मेंशन था। तो अब हम इसको चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं क्या ये वाकई सारे पॉइंट्स को प्रूफ करती है या नहीं। इस पर मेंशन है कि आप इसको आइज़ पर और लिप लाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और रिच मॉइस्चराइजिंग कलर है इसमें जो सुपर कवरेज देता है। और ये इसका कवर दिया हुआ है जिसे आप इसको सेफली रख सकें और कहीं भी ट्रैवल में यूज़ कर सकें। ये रोटेटिंग फॉर्म में है। सबसे पहले मैं आपको स्वाच करके दिखा देती हूँ कि इसका कलर कैसा है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की है और बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर इसका मिला है और एक ही स्ट्रोक में इसने काफ़ी अच्छा कलर दिया है और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ पेंसिल है ये। आपको इसको यूज़ करने पर आइस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही ये हार्श लगेगी। और इसका काफ़ी डार्क ब्लैक कलर मुझे मिला है और अगर मैं इसका एक और स्ट्रोक अप्लाई करूँ इस पर तो वाकई ये कलर तो इसका बहुत इंटेंस कलर मिला है। अब इसका स्मच प्रूफ ये है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। मैं इसको अब रब करके देखती हूँ। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा रब करूँगी तो ये स्मच हो जाएगी, तो ये स्मच प्रूफ तो नहीं है, ये बिल्कुल फैल गई है। अब मैं इसका वाटर टेस्ट करके देखती हूँ कि वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो ये मैंने दोबारा इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं इस पर स्प्रे करके चेक करती हूँ कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने इस पर स्प्रे किया तो ऐसे तो इसको कुछ नहीं हुआ। अब इसको रब करके देखते हैं। जब इसको बहुत ज़्यादा रब करेंगे तब ये हट जाएगी, अदरवाइज़ ये वाटरप्रूफ तो है बट ये स्मज भी हो जाती है, फैल जाती है अगर आप इसको रब करेंगे, वरना ये ठीक रहेगी। तो इनका वाटरप्रूफ वाला पॉइंट तो सही प्रूव होता है, बस अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रब करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। वैसे तो ये पेंसिल बहुत अच्छी है, सॉफ्ट एंड स्मूथ है, आइज़ में आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और एक ही स्ट्रोक में आपको ये बहुत ही अच्छा फाइन कलर प्रोवाइड करेगी। अब मैं इसका आपको प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 180 रुपीज़। इसकी क्वान्टिटी है 0.35 ग्राम और इसकी शेल्फ़ लाइफ वैसे तो मेंशन नहीं होती बट काजल की शेल्फ़ लाइफ 3 से 4 ईयर्स तक होती है। इसके बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बट अगर आपको लगता है कि इसकी टिप पर वाइट स्पॉट्स आ गए हैं तो इसका मतलब कि आपकी काजल पेंसिल ख़राब हो गई है। और ये पूरे 22 आवर्स तक भी स्टे नहीं रहती है, जल्दी ही उतर जाती है, तो ये बात भी इनकी गलत प्रूव हुई। तो ये था मेरा लैक्मे आइकॉनिक काजल पेंसिल का रिव्यू। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल ब्यूटी हट पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसी और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।